हेलो फ्रेंड्स, मैं मनी, जैसे कि मुझे जानते हैं, मेरे चैनल टेक्निकल लवली मनी, दूसरे चैनल स्विम बाई मनी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा। आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो के A1K के साथ वीवो का वाई करने में आई, क्योंकि कमेंट भी आए थे। तो चलो कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सारी डिटेल दे देना चाहता हूँ। डिस्प्ले की बात करें तो दोनों की लगभग सेम ही है। इसकी 6.1 है, सॉरी फ्रेंड्स, इसकी 6.22 इंच है ओप्पो। मैं उससे पहले भी एक और डिटेल दे देना चाहता हूँ कि मेरे राइट हैंड में ओप्पो है, लेफ्ट हैंड में मेरे वीवो का वाई करने में आई है, ओप्पो का A1i है, A1K है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्प्ले बता देते हैं। वीवो की आपको मिलती है, वीवो वाई करने में क्या आई की मिलती है, 6.22 इंच की HD प्लस। उसके बाद आपको ओप्पो की मिलती है 6.1 इंच HD प्लस, 6.1, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोनों के लगभग सेम ही है, 5-5 मेगापिक्सल के दोनों के कैमरे सेम है। अगर राइट साइड की बात करें तो वीवो में आपको वॉल्यूम की रॉकर बटन और साथ में पावर लॉक बटन साथ में मिलता है, ओप्पो में आपको सिर्फ पावर लॉक बटन मिलेगा और दूसरी साइड आपको लेफ्ट साइड में आपको सिम स्लॉट साथ में वॉल्यूम की रॉकर मिलेगा, और इसी तरह वीवो में आपको मिलेगा सिम स्लॉट ओनली। इसमें आप दो सिम डाल सकते हो, एक मेमोरी कार्ड डाल सकते हो। ऊपर की साइड देखा जाए तो दोनों बेजल प्लेन है एकदम, और बैक की साइड में देखा जाए तो इसमें आपको वीवो में 13 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है और साथ में फ्लैश मिलती है। इसमें आपको 8 मेगापिक्सल कैमरा मिलता है, साथ में फ्लैश मिलती है। अब बात करते हैं इनकी इंटरनल मेमोरी की। इंटरनल मेमोरी में आपको लगभग सेम ही मिल जाती है, 2+32 बल्कि 2 GB रैम, 32 GB इंटरनल मेमोरी, दोनों की सेम है। बैटरी की बात करते हैं तो ओप्पो की आपको 4000 mAh मिलती है और वीवो की आपको 4030 mAh मिलती है, बल्कि 30 mAh की इसकी ज़्यादा बैटरी है। और उसके बाद बात करते हैं इनके प्रोसेसर की। प्रोसेसर आपको ओप्पो में मिलता है P35 जो कि न्यू है, और इसमें वीवो वाई कन में आई में आपको मिलता है P22। सॉरी फ्रेंड्स, दोनों में आपको P22 ही प्रोसेसर मिल रहा है, थोड़ी मिस्टेक होगी क्योंकि अभी मैंने दूसरे वीडियो की फ़ोन की वीडियो बनाई थी तो मिस्टेक होगी, सॉरी। तो दोनों में P22 प्रोसेसर है, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टार्ट करते हैं इनका कंपेरिजन, स्पीड टेस्ट और कैमरे बारे में सारी डिटेल मैंने दे दी है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, मैंने एप्लीकेशन दोनों सेम कर दी है, चेक कर सकते हो आप, दोनों में एप्लीकेशन सेम है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने पहला आया था टेस्ट आया था कि वीवो का टेस्ट किया था हमने A10 के साथ, तो आज हम आई के साथ करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बैकग्राउंड में दिखा देता हूँ, बैकग्राउंड में बिल्कुल क्लियर है दोनों में, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, एप्लीकेशन यूज़ करनी है, 1x1 एप्लीकेशन खोल के देखनी है। ये एप्लीकेशन नेट बंद होने पे टेस्ट होगी जो कि जनवन पीछे से आती है, तो देखते हैं दोनों का प्रोसेसर सेम होने के बावजूद। और प्राइस का मैं बताना भूल गया कि इसका है 8490 रुपये और इसका आपको मिलता है 8000। पहले इसका भी 8490 रुपये था, पर इसका प्राइस रेट ड्रॉप हो गया है 500 रुपये। तो चलो स्टार्ट करते हैं, मतलब लगभग ये 8000 का मिलेगा, ये 8500 का मिलेगा जो कि लेटेस्ट फ़ोन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स एप्लीकेशन स्टार्ट करें, 1 2 3 स्टार्ट। अगर देखा जाए इसमें ओप्पो हल्का सा आगे रहा है, क्रोम में लगभग वीवो हल्का सा आगे गया है, इसमें भी वीवो आगे गया है। मैप में देखा जाए तो हल्का सा ओप्पो आगे जा रहा है, और यूट्यूब में देखा जाए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, यूट्यूब में हल्का सा वीवो आगे गया है, और प्ले स्टोर में भी हल्का सा वीवो आगे जा रहा है। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। और इसमें ओप्पो आगे गया है, और फाइल मैनेजर में वीवो आगे जा रहा है, और अगर देखा जाए कॉन्टैक्ट्स में तो वीवो आगे गया है, और कैलेंडर में वीवो आगे गया है, काफ़ी आगे गया है वीवो का। उसके बाद कैलकुलेटर में भी काफ़ी आगे गया है वीवो। उसके बाद क्लॉक में लगभग दोनों सेम ही है, और उसके बाद फ़ोटो में हल्का सा वीवो आगे गया है, ओप्पो आगे गया है। उसके बाद म्यूज़िक में हल्का सा वीवो आगे गया है। उसके बाद कैमरा में काफ़ी आगे गया है अपना, कैमरा का कंपैरिजन एक बार द्वारती करता हूँ मैं, बैकग्राउंड में ऐसे चलता रहेगा क्योंकि उसका बैक कैमरा था। कैमरा लगभग दोनों के सेम ही है, हल्का सा वीवो का आगे खुला है ओप्पो का। ओके, सेटिंग भी वीवो आगे गया है। तो फ्रेंड्स ये था इनका सिंपल एप्लीकेशन टेस्ट। अब हम करेंगे एप्लीकेशन रेस बिना टाइम वेस्ट किए हुए। बैकग्राउंड से मैंने क्लियर कर दिया सारी। अब एप्लीकेशन रेस टेस्ट का साथ दे रहे हैं हमारा अंकुश, और अंकुश भी मेरे साथ ही रहते हैं। तो चलो 1 2 3 स्टार्ट। एप्लीकेशन रेस स्टार्ट कर दिया हमने, तो अभी देखा जाए तो ये तो एंड में पता चलेगा कौन सी कंपनी जीतती है। मैप, YouTube, प्ले स्टोर,
फेसबुक कॉन्टैक्ट्स कैलेंडर कैलकुलेटर क्लॉक फोटोज म्यूजिक कैमरा सेटिंग। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो काफ़ी मतलब कि थोड़ा मतलब कि पॉइंटों का फ़र्क से वीवो आगे रहा है, वीवो वाई कन में आई आगे रहा है, ओप्पो A1 थोड़ा सा स्लो रहा है, ओप्पो A1K थोड़ा स्लो रहा है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, आई होप कि आपको अच्छा। फ्रेंड्स मैंने सारा स्पीड टेस्ट कंपेरिजन कर दिया है, आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर देखा जाए तो एक पॉइंट से आगे रहा है वीवो कन में आई और ओप्पो A1K थोड़ा पीछे रहा है। तो एक बार सारी डिटेल में लास्ट में दे देना चाहता हूँ। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं, वीवो की आपको वाई कन में आई की मिलती है 6.22 इंच, इसकी मिलती है 6.1 इंच और दोनों HD+ है। फ्रंट कैमरा दोनों के 5 मेगापिक्सल है, बैक कैमरा वीवो का 13 मेगापिक्सल है, इसका 8 मेगापिक्सल है। फ्लैश दोनों की सेम है और देखा जाए डाउन में देखा जाए तो दोनों की लगभग सेम है। इसका सेंसर आपको नीचे 2 मिलते हैं, एक नॉइज़ कैंसलिंग मिलता है और मेन माइक मिलता है। इसमें आपको नॉइज़ कैंसलिंग का माइक नहीं मिलता, तो नीचे मेन माइक है। बाकी लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम की रॉकर बटन आपको वीवो में मिल जाएगा, साथ में आपको पावर लॉक बटन मिल जाएगा। इसी तरह आपको लेफ्ट साइड में इसके वॉल्यूम की रॉकर मिलता है, साथ में सिम स्लॉट, और लेफ्ट साइड में आपको राइट साइड में मिलता है सिर्फ पावर लॉक बटन। तो ये था कंपेरिजन इनके दोनों का, वीवो का वाई कन में आई का साथ में ओप्पो A1 का, ठीक है, ओप्पो A1K का, ठीक है। और देखा जाए तो इसको 9 पॉइंट मिलते हैं, इसको 10 पॉइंट मिलते हैं, तो सही है। और प्राइस के मामले में इसका प्राइस ड्रॉप हो चुका है, इसका 8000 हो चुका है, इसका 8500 है, जो क्योंकि ये लेटेस्ट अभी आया है। तो कैसा लगा आपको ये टेस्ट? और बैटरी के मामले में 30mAh की इसकी बैटरी ज़्यादा है, मतलब कि 4030mAh की बैटरी, 4000 पूरी mAh की बैटरी। तो चार्जर आपको दोनों में 2 एम्पेयर मिलते हैं, तो इसमें आपको। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने काफ़ी है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू। फ्रेंड्स ये है मेरे चैनल स्विमिंग बाय मनी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिस पर आप वीडियो देख रहे हो, और टेक्निकल लवली मनी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दो, अगर वीडियो में कोई कमी है तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।